चैप्टर्स हम लोगों ने स्टडी किया है और गैस बाकी अदर सब्जेक्ट के भी हम लोग वीडियो अपलोड कर दिया है। तो गैस अगर आपने वीडियोस को अगर अभी नहीं देखा है तो गैस आप वीडियो खत्म होने के बाद उस वीडियो को देखो और गैस वीडियो को पूरे लास्ट कर देखें। गैस अगर आप इस चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशन को कंटिन्यूस आप पाना चाहते हैं यानी कि आप चाहते हैं कि जैसे ही आपको कोई भी वीडियोज आ रही है आपको तुरंत ही इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चाहते हैं कि अगर आपके अगल बगल आस पड़ोस आजू बाजू जितने लोग वो सारे पढ़ाई करें तो गाइस आप मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप क्या करें कि आपको भी शेयर करें, शेयरिंग करें, तो गाइस शेयर करें। सेकंड है गाइस कि अगर मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ अगर आपको नोट्स भी चाहिए सो यू कैन परचेज दिस नोट्स फ्रॉम अवर ऐप दैट इज फ्रॉम जामिया कोचिंग सेंटर। जामिया कोचिंग सेंटर ऐप से आप उसको आपको हमारी जो नोट्स है उसको आप परचेज कर सकते हैं गाइस। सो गाइस हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। सो गाइस आज का हम लोगों का जो टॉपिक है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके इक्वेशन ओके गाइस सबसे पहले हम लोगों ने इक्वेशन जो सिंपल इक्वेशन जो पढ़ा था सेवंथ क्लास में या सिक्स क्लास में हमने स्टार्टिंग करा था उसमें इक्वेशन में क्या देखा था कि कुछ लेफ्ट हैंड साइड होते थे कुछ राइट हैंड साइड होते थे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होते थे। इक्वेशन में कुछ क्या थे समथिंग कॉन्स्टेंट टर्म थे समथिंग वेरिएबल टर्म थे। तो आप हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जिसमें वेरिएबल्स की जो पावर होगी वो 2 होगी मैक्सिमम पावर होगी वेरिएबल्स की वो 2 होगी दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसकी जो जनरल फॉर्म होगी गाइस होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म गाइस। तो आज हम लोग जो लर्न करेंगे बहुत ही हम लोग क्या करें शॉर्ट में पूरे चैप्टर्स को हम लोग समझाएंगे। अगर गाइस आप चाहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दम बिल्कुल धुआं धुआं हो जाए तो आप गाइस वीडियो को पूरा लास्ट कर देंगे क्योंकि गाइस हम लोग छोटे से ही वीडियो में पूरी सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चंस होंगे किस किस तरह के फॉर्मूलाज होंगे तो सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि गाइस पूरी वीडियो को पूरे लास्ट कर देंगे। सो गाइस तो हमारा जो सबसे पहले बेसिक में स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बताया इसके लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए वो क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज टू 0 वेयर क्या ए एंड बी एंड सी क्या कांस्टेंट टर्म है एंड ए और एक्स जो हमारे यहां पे वेरिएबल टर्म। ओके आज जहां पे हमने मैंने पहले पिछले वीडियोस में बताया था कि अगर क्वांटिटी यानी कि अगर वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर 2 है तो वहां पे वेरिएबल्स की जो वैल्यूज मिलेंगे वहां पे टू डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगे जिसको हम लोग जीरो लगता है इक्वेशन बोलते हैं यानी कि जो इक्वेशंस में वेरिएबल यूज किए गए हैं उनकी जो वैल्यूज होती है उसको बोलते हैं हम लोग जीरो लगता है इक्वेशन। तो यहाँ पे जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे हमें टू जीरो हमें फाइंड आउट होंगे। एक तो होगी वो जगह होगी हमने उसको अज्यूम कर लेंगे इस चैप्टर में अल्फा एंड बीटा जो है इसके टू रूट्स हैं हमने इसमें अज्यूम किया अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स। तो इसको रूट्स भी बोलते हैं इसको जीरो ऑफ द इक्वेशन भी बोलते हैं। ओके गाइस तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो हम लोगों ने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड वो क्या था स्प्लिटिंग द मिड टर्म यानी कि मिड टर्म को हम लोग स्प्लिट करके इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर रहे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम लोग जो फॉर्म कर रहे थे उसको कैसे कर रहे थे कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे थे कि स्प्लिटिंग द मिड टर्म जो मिड टर्म उसको हम लोग स्प्लिट करके सॉल्व कर रहे थे। तो गाइस वो मेथड्स जो थे वो सिंपल क्वेश्चंस के लिए तो एप्लीकेबल है लेकिन बट कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए हमें एप्लीकेबल नहीं। सेकंड क्या है गाइस कि ये जो मेथड्स हैं ये हमारे को टाइम एफिशिएंट होंगे तो ये हम लोग क्या करें इससे हमारी टाइम सेविंग होगी। तो गाइस जैसे हम लोग एक इक्वेशन ले रहे हैं 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो तो गाइस इस क्वेश्चन को तो हम लोग स्प्लिटिंग द मिड टर्म से सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस इसको कैसे हम सॉल्व करें सो इसकी जो रूट्स होगी 2x² हमने क्वेश्चन में लिखा 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू होती है स्प्लिटिंग द मिड टर्म क्या करें हम लोग पहले फर्स्ट टर्म वाले को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 अंदर 2 एंड 2x² माइनस
2x minus x plus 1 equals to 0. So, हम लोगों ने यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया तो क्या होगा राइट, x माइनस 1 माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या x माइनस 1। सो लिख सकते इसको क्या 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस टू 0। यहाँ पर हम लोग x की 2 वैल्यूज हमें मिल गए, x प्लस टू 1 बाई 2 एंड x प्लस टू 1। तो ये दो वैल्यूज क्या होगी इसकी, जीरो ऑफ द इक्वेशन होगी गाइस। तो गाइस हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग जीरोस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारी हुआ फंडामेंटल जो हम लोग 9th क्लास में मैट्रिक्स पढ़ा था। अब 10th क्लास में जो हम लोग जो मैट्रिक्स नए सीख रहे हैं वो क्या है कि जो हम लोग फार्मूला जो कई बार मैंने पिछले वीडियोस में कई बार डिस्कस किया है, जो फार्मूला का x = - b + - स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इस फार्मूला के हेल्प से भी हम लोग यहां पर एक्चुअली में जो x जो है यहाँ पे हम लोगों की दो वैल्यूज देंगे, यानी कि एक बार हम लोग लेंगे अल्फा, एक बार जब प्लस लेंगे तो एक वैल्यूज मिलेगी, एक बार जब हम लोग माइनस लेंगे तो हमारा सेकंड वैल्यूज मिलेगी। तो यहाँ पे हम लोगों की क्या होगा कि टू वैल्यूज फाइंड आउट होगी। तो गाइस हम लोग इस मैट्रिक्स से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो मैट्रिक्स हमने पहले लर्न किया उस मैट्रिक्स से भी हम लोग गाइस नेट जीरोस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके गाइस, सो यहाँ पे हमने लिया इनमें कुछ और प्रॉपर्टी जो हम लोग फॉर्म बता रहे थे, अगर इन दोनों जीरोस को सम करेंगे तो हमें जो चीज मिलेगी वो होगी माइनस बी बाई ए, एंड अगर इन दोनों जीरोस को अगर हम लोग प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो ये होगा सी बाई ए। ए भी सी क्या है, पहले प्रोडक्ट का ए क्या है एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट है, बी जो है एक्स की कोफिशिएंट है एंड सी जो है वो हमारा कॉन्स्टेंट है। ओके भाई, तो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म होंगे, ये फार्मूला होगा इसको फाइंड आउट करने के लिए। तो ये इनके सम के लिए है, ये इनकी मल्टीप्लीकेशन के लिए है। अब गाइस हम लोग कोई भी क्वेश्चन होंगे इस पे हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन इस पे देखेंगे। जैसे यहाँ पे जो b स्क्वायर माइनस 4ac हमने लिया है, इससे हम लोग नेचर ऑफ रूट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। तो अगर b स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये ग्रेटर देन 0 होगा तो हमें टू डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। तो क्या मिलेंगे, टू डिस्टिंक्ट रूट फाइंड आउट इफ b स्क्वायर माइनस 4ac is equals to 0, तो हमें क्या होगा टू इक्वल रूट्स मिलेगा, टू इक्वल रूट्स फाइंड आउट होगा। एंड एक हम लोगों को क्या मिलता है b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो b स्क्वायर इज लेस देन 0, तो हमें क्या है कोई रियल रूट्स नहीं लेना, नो रियल रूट्स। ओके, हमें कोई रियल रूट नहीं मिलेगा, हमें अब जो रूट मिलेंगे जो इमेजिनरी रूट मिलेगा। तो अभी हम लोगों को इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी रूट के बारे में अभी हम लोगों को स्टडी नहीं करनी, वो हमें फर्दर हायर क्लासेस में करनी है। अब जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन है कह रहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। इक्वेशन आपकी जो है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसके काम लोगों को डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट अगर हमने बताया कि जो d होता है, d क्या होता है b स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है d, d मतलब b स्क्वायर माइनस 4x। तो ये इसको क्या हो जाएगा, देखिए b क्या है x की कोफिशिएंट, तो 4 है, 4 स्क्वायर माइनस 4 2 इनटू 3 दैट इज 16 माइनस 4 टू द 8 दैट इज 24, तो 16 माइनस 24 इज माइनस 8। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं गाइस कि हमारे जो डिस्क्रिमिनेंट आई है वो नेगेटिव क्वांटिटी आई है, नेगेटिव नंबर आई है, ये लेस देन 0 है, तो यहाँ पे हमें कोई रियल रूट्स फाइंड आउट नहीं होगा, यहाँ पे हमें इमेजिनरी रूट्स फाइंड आउट होंगे।
तो गाइस इसमें दो क्वेश्चन होंगे, दो तरह के। एक क्वेश्चन होंगे जिसमें हम लोगों को रूट्स को फाइंड आउट करना है, सेकंड क्या है कि नेचर ऑफ द रूट। जहाँ पे अगर नेचर ऑफ द रूट की बात होगी तो वहाँ पे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, और अगर वो जैसे हमने कंडीशन देखा कि अगर लेस देन जीरो है तो क्या होगा, वो कोई रियल रूट फाइंड आउट नहीं होगा। अगर इक्वल टू जीरो है फिर टू इक्वल रूट्स फाइंड आउट होगी, एंड अगर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसकी फर्दर डिटेल एक्सरसाइज देखेंगे।